हेलो क्लास सेवेंथ टुडे योर टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस डिफरेंट इट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ एमोशन ऑल ऑफ यू नोज अबाउट द मोशन कि अर मोशन अ बॉडी इज सेट टू बी मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग चेंजेस विद द टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड यूर योर पोजिशन इज चेंज यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ओके बाई चेंज दियर टाइम so during the changing इंग position ओके यू आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन सपोज वेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम होम यर कमिंग स्कूल फ्रॉम होम देन ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग योर जर्नी टाइम आपका जो पाथ होता है जो आप पाथ कवर करके आते हैं घर से स्कूल तक तो कभी आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं कभी आप बैंट को क्रॉस करके आते हैं बैंट इन देंस ऑफ कर्व ओके सपोज आप एक सर्कल ट्रैवल करके आते हैं सर्कल इन द सेंस ऑफ फॉर एग्जाम्पल योर गोला मार्केट ओके तो अगर आप गोला मार्केट का एक कंप्लीट चक्कर लगाएंगे दैट इज योर सर्कुलर मोशन ओके सर्कल पे है ना वो तो सर्कुलर मोशन तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस इन योर बुक ओके फॉर एग्जाम्पल ट्रेन मूव स्ट्रेट अलॉन्ग इट्स ट्रैक ऑल ऑफ यू नोज अबाउट दिस की ट्रेन ऑलवेज टेकिंग अ स्ट्रेट पाथ ओके फैन रोटेट्स फैन रोटेट करता है फैन रोटेट दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन ऑल्सो ओके देन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन दीज आर द टाइप ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अ मोशन सो यू हैव अ सेवन टाइप ऑफ ए मोशन ट्रांसलेटरी इन द सेंस ऑफ यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन रोटेटरी इन द सेंस ऑफ रोटेट करना घूमना किसी एक फिक्स एक्सेस के और कि मतलब मैंने आपके पास ये फिक्स एक्सेस दे दिया इसके चारों ओर आप क्या कर रहे हो घूम रहे हो लाइक एज अ फैन रोटेट्स ओके एक फिक्स एक्सेस होता है एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर क्या करती हैं ब्लेड्स घूमती हैं ना ओन द इज वोन सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन लाइक द सेम एज रोटेटरी मोशन एक सर्कल में घूमना लाइक एज जो मैंने बोला आपको कि यू आर टेकिंग यू आर टेकिंग डिस्टेंस ऑफ अ गोला मार्केट ठीक है आप गोला मार्केट का एक कम्प्लीट चक्कर लगाओगे दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन और दैट इज अल्सो टाइप ऑफ अ रोटेटरी मोशन ऑल्सो नेक्स्ट फोर्थ ऑसिलेट्री मोशन फिफ्थ ऑसिट्री मोशन टू एंड थ्रो करना झूलाब झूलते हो जो स्विंग करते हो ठीक है पैंडुलम को मूव कराते हो लाइक एज योर क्लॉक बॉब लगा होता है और बॉब मूव करता है इस तरीके से एक फिक्स एक्सेस पे ये आपका फिक्स एक्सेस होता है जैसी अलार्म बजता है तो टू फिर यहीं पे आता है फिर फ्रो इस तरीके से मोशन क्रिएट करता है क्लियर नाउ द सेम एज द वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी एक फिक्स एक्सेस पे वाइब्रेट होना टू एंड फ्रो लाइक एज योर फोन रिंगिंग इन द केस ऑफ अ वाइब्रेशन पीरियोडिक मोशन क्लियर है कि दिस इज अ मोशन बट अ मोशन इन अ फिक्स टाइम इंटरवल लाइक एज अ रेस जब आप रेस करते हैं तो एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है ना कि इस टाइम इंटरवल में आपको रेस कंप्लीट करनी पड़ती है फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इट दीन्स अर्थ एक टाइम इंटरवल में सन का क्या लगाता है चक्कर लगाता है इट इट थ्री सिक्सटी फाइव और डेज होते हैं ना वन ईयर कभी आपने सुना फोर हंड्रेड और फोर फिफ्टी डेज होते हैं नो no. तो दैट मोशन इट मींस टाइम इंटरवल द मोशन that motion is called your periodic motion. Non periodic motion, it means motion to ho raha है but time interval is not fixed. Suppose uh, when you are uh, going uh, when you are coming school from home, that is not fixed. कभी आपको जल्दी हो रही रहती है तो आप दौड़ के आते हो, कभी आपको अगर यहाँ lots of time तो आप धीरे आते हो. ठीक है, तो the time period Of a motion is not fixed, that motion is called your non periodic motion. So, so, shortly I explained. Now, the first one is a translatory motion. The translatory motion, if an object like a vehicle,

दैट मोशन इज कॉल्ड योर ट्रांसलेट्री मोशन इट मी जो आपका ट्रांसलेट्री मोशन होता है द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के इन साइड मूव्स थ्रो द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल ठीक है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं सेम टाइम इंटरवल में दैट मोशन इज कॉल्ड योर ट्रांसलेटरी एंड इन शॉर्ट यू कैन से द मोशन इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड योर ट्रांसलेटरी मोशन सपोज अ मैन ट्रैवलिंग अ पाथ ठीक है सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग सपोज ठीक है या मूविंग फ्रॉम हियर दीज आर अ टू पॉइंट एंड यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम हियर ए पॉइंट ठीक है देन वन पॉइंट टू पॉइंट ठीक है आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की सपोज में वन मीटर क्लियर एंड दिस जर्नी ट्रेवल बाय सपोज फाइव मिनट क्लियर नाउ इससे आगे आप बढ़े आपने टू मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल की देन आपको टाइम लगा टेन मिनट देन अगेन थ्री मिनट थ्री मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की आपने फिफ्टीन मिनट नाउ यू कैन से दिस इज अ यूनिफॉर्मली मोशन कि सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल में आप ट्रैवल कर रहे हो देखो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली इन द सेंस ऑफ यहाँ पे आपने डिस्टेंस क्या बढ़ाई वन प्लस वन बढ़ रही है और एंड द टाइम पीरियड इज आल्सो सेम कि फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन ओके इट मीनस ईच पॉइंट पे आपकी जो डिस्टेंस है ये भी सेम है और जो आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है दैट इज ऑल्सो भी सेम दैट इज अ यूनिफॉर्मली मोशंस की इक्वली डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल दैट मोशन इज कॉल्ड योर ट्रांसलेटरी मोशन क्लियर नाउ देयर आर अ वेरियस एग्जाम्पल सपोज योर वॉकिंग या साइकिलिंग दिस मोशंस अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस दिस इज ऑल्सो ट्रांसलेटरी मोशन सपोज मोशन ऑफ अ एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री कि एप्पल गिर रहा है या कोई भी फ्रूट्स आपका या कोई भी चीज़ आपकी पेड़ से नीचे गिर रही है दैट मोशन इज कॉल्ड योर ट्रांसलेटरी मोशन वेन यू आर साइक्लिंग्स मो पॉइंट पोजिशन वन टू टू यू हैव एग्जाम्पल ठीक है यू कैन रीड योर एग्जाम्पल्स नाउ द नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिफाइंड बाई टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज अ रेक्टी लीनियर और अ लीनियर मोशन एंड द सेकेंड वन इज अ करवी लिनीयर मोशन एंड यू कैन सी द नेम रेक्टी लीनियर और अ लीनियर द नेम इट इज डिफाइंड बाय द नेम इट इज डिफाइंड बाय द नेम इट मीन्स लीनियर मीन्स अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कि जो मोशन आपका क्रिएट किया जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मोशन इज कॉल्ड योर लीनियर मोशन कि वेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल देन वैन योर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं दैट मोशन इज योर लीनियर मोशन क्लियर सो इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन दैट इज योर लीनियर मोशन एग्जाम्पल क्या है अ ट्रेन ट्रेवल्स ट्रेन ट्रैवल्स और हमेशा ट्रेन क्या करती है एक स्ट्रेट पाथ में क्या करती है ट्रैवल करती है अ बॉल फॉलिंग व्हेन यू आर प्लेइंग देन व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल देन इन ड्यूरिंग जब आप बॉल फेंकते हैं दैट पाथ इज कॉल्ड यीनियर मोशन ओके देर आर वेरियस एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन एंड द मार्च पास ऑफ अ सोल्जर इन अ अड ऑन अ स्ट्रेट रोड ठीक है देर आर वेरियस एग्जाम्पल जब आप कैरम खेलते हैं तो जब आप कॉइन को मूव करते हैं देन दिन्स मूविंग ऑफ

इन अ रोड जब आप कार ट्रैवलिंग करते हैं ट्रैवल करते हैं कार चला रहे हैं तो बेंट आता है योर पाथ इज़ इन करवी लीनियर ओके बॉल को थ्रो करते हैं सपोज स्लोप में तो वहां पे क्या हो जाता है कर्व पाथ द एग्जाम्पल ऑफ अ करवी लीनियर इज द मोशन ऑफ अ साइकिल वाइल टेकिंग अ टर्न ऑन द रोड अ कार मूविंग एलॉन अ कर्व पाथ अ बॉल थ्रो बाई एन एथलेटिक्स आर्क इन अ करवी लीनियर मोशन ओके जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म अंडरस्टैंड द नेमिंग दैन बाई द नेमिंग यू कैन एक्सप्लेन क्लियरली ओके नाव द नेक्स्ट वन इज द रोटेटरी मोशन द रोटेटरी मोशन रोटेट होना ठीक है मतलब रोटेट होना अब आपको पता चल रहा है रोटेट किसे बोलते हैं रोटेट मतलब ये रोटेट होना ठीक है अ बॉडी इज सेट टू बी रोटेटरी मोशन इफ इट्स मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट देखो आप रोटेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बट अगर एक फिक्स पॉइंट पे आप रोटेट हो रहे हो दैट इज योर रोटेटरी मोशन कि सपोज मैंने बोला कि दिस इज अ पेन ठीक है तो अगर आप ये फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट को आप घुमाओ तो दैट मोशन इज कॉल्ड योर रोटेटरी मोशन लाइक एज अ कम्पास से आप जब प्रोटेक्ट सॉरी कंपास से जब आप क्या बनाते हैं सर्कल बनाते हैं तो एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं उस फिक्स पॉइंट के आप क्या करते हैं मोशन क्रिएट करते हैं दैट्स वाई यू विल मेक अ सर्कल तो दैट मोशन इज कॉल्ड यूर रोटेटरी मोशन मोशन अ बॉडी सेट टू बी रोटेटरी मोशन इफ इट मोज अबाउट अ फिक्स पॉइंट देर आर वेरी एग्जाम्पल सपोज यू है फैन यू ऑल ऑफ यू सी द फैन ठीक है फैन की जो कंडीशन देखोगे एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता है रोटेट करता है सपोज स्पिनिंग व्हील ठीक है कोई भी स्पिनिंग है लाइक एज अ लट्टू जो होता है जिससे आप खेलते हैं दिस वन ठीक है स्पिनिंग ऑफ अ टॉप तो आप एक फिक्स एक्सेस पे क्या करते हैं उसे घुमाते हैं तो जब आपने घुमाया तो जो वो मोशन क्रिएट कर रहा है दैट मोशन इज कॉल्ड योर रोटेटरी मोशन लाइक एज अ पोटर्स जो पोटर्स पॉट बनाता है तो वो क्या करता है फिक्स पॉइंट पे पोर्ट्स को क्या करता है घुमाता है ठीक है फैन नाउ नाउ सी द नोट यू हैव रोटेटरी मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसलेटरी मोशन क्यों डिफरेंट है ट्रांसलेटरी मोशन से क्योंकि रोटेट क्या हो रहा है एक रोटेट हो रहा है एक सर्कल चारों ओर चक्कर लगा रहा है ओके okay? तो ये मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में आपने क्या पढ़ा एक स्ट्रेट लाइन में या फिर एक कर्व पाथ में ठीक है देन बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच ऑफ अदर अदरवाइज बोथ आर ए टाइप ऑफ अ मोशन कि ये भी मोशन है ये भी मोशन है दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है कि बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर और रोटेटरी मोशन क्या होता है कि बॉडी जहाँ से शुरू कर रही है वापस वहीं पे आ जाती है होता है कि मैंने बोला कि मैंने इस पेन को एक फिक्स एक्सेस में किया यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे तो वापस आप इसे यहीं पे लेकर आ गए इसकी मेन पोजीशन पे लेकर आ गए इनिशियल कंडीशन में ओके दैट्स वाई बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच ऑफ अदर ठीक है रोटेटरी मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज इन रोटेटरी मोशन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल येस इन अ सेम अगर मैंने आपको एक इतना सा छोटा फिक्स पॉइंट दे दिया फिक्स पॉइंट यही दिया मैंने आपको ठीक है अगर मैंने ये दिया तो आपको क्या लगेगा आप इसी टाइम में क्या करोगे सर्कल क्रिएट कर लोगे और वही टाइम मैंने फिक्स पॉइंट ये दिया और टाइम वही दिया तो उसी टाइम इंटरवल में आप क्या करोगे एक बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो ठीक है द पार्ट ऑफ अ बॉडी नियर द एक्सेस ऑफ ए रोटेशन ट्रैवल और स्मॉल डिस्टेंस देन द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी एक स्मॉलेस्ट एक की मत अगर मैंने बोला ये फिक्स पॉइंट है तो इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस ठीक है नेक्स्ट वन इज अ सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन सर्कल मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और सर्कल मतलब अ मोशन क्रिएट बाय अ सर्कल ठीक है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इस कॉल्ड सर्कुलर मोशन की मतलब जो मोशन क्रिएट किया जाता है एक सर्कुलर पाथ में ठीक है सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशली टाइप ऑफ अ कर भी लीनियर मोशन इन विच द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल द सेंटर डज नॉट चेंज यस इसमें आपका जो सेंटर है वो चेंज नहीं होता है ठीक है कैसे सपोज द अर्थ मूविंग अराउंड द सन द अर्थ द मून मूविंग अराउंड द अर्थ दीज आर ए टाइप ऑफ अ सर्कुलर मोशन कि जो आपका सन है कभी आपने सुना कि सन अर्थ का चक्कर लगाता है हमेशा आपने यही सुना है ना कि अर्थ मूविंग अराउंड द सन कभी आपने ये सुना कि सन मूविंग अराउंड द सन नो द सेम एज द मून मूविंग अराउंड द अर्थ कभी आपने ये सुना कि मून अर्थ मूविंग अराउंड द सन नो इसलिए ध्यान रखना है जो आपका सन होता है इट इज ऑलवेज भी फिक्स्ड क्लियर और देखो अगर मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड करूं सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड करूं इट मीन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ है वन पार्ट द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट व्हेन यू विल ऐड दिस फोर पार्ट देन यू विल गेट अ सर्कल क्लियर नाउ डू यू नो द फर्स्ट पार्ट इन द रोटेटरी मोशन द एक्सेस ऑफ ए रोटेशन पासिस passes from a point in the body itself where there is a circular motion. The axis of a reverse of reverse passes through a point outside the body. Thus the motion of the earth around the sun is circular motion whereas the motion of the earth about its own axis is called a rotatory motion. Clear? In circular and rotatory motion the distance of a point of a body from a fixed point always remain the same. येस इट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम बिकॉज जिस पॉइंट से वो डिस्टेंस मूव करता है दैट पॉइंट इज ऑलवेज भी फिक्स्ड वेयर एज इट इज नॉट सेम इन द दर्वी लीनियर और कर्वी लीनियर में सेम नहीं रहती सपोज मैंने बोला कि दिस पाथ इज़ अ करवी लीनियर ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम है ये डिस्टेंस सेम है बट इट इज़ डिफर फ्राम दिस दैट्स वाई कि कर्वी लीनियर में क्या होता है इट डिफर फ्राम सर्कुलर मोशन कि सर्कल जब आप बनाते हैं देन ने आ गई अब मैं नाउ सी दिस इज अ पॉइंट सेंटर पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर पॉइंट टू दिस सकम फेरेंस दिस इज अ सकम फेरेंस ना एंड दॉर्टर डिस्टेंस इज योअर रेडियस एंड इन अ सर्कल दे आर आर इन्फानाइट रेडियस एंड दे आर इक्वल टू ईच फदर येस अ नो दैट्स वाई कि जो फिक्स पॉइंट होता है सर्कल में द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज इक्वल इन ईच पॉइंट्स ठीक है बिकॉज ऑफ रेडियस क्लियर बट इन अ करवी लीनियर यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस कर्वी लीनियर तो इन कर्वी लीनियर अगर मैंने बोला कि दिस इज अ सेंटर देन फ्रॉम दिस सेंटर द डिस्टेंस इज नॉट इक्वल फॉर ईच पॉइंट्स ओके यू कैन सी You can measure this distance. They are unequal. Clear? So just uh, see the see these three topics I have uh, taught. Three topics. the translatory motion, rotatory motion, and the circular motion. Mm -hmm. Just go go through these three topics and understand. Thank you.